तो यूपी में एक बार फिर से लाउडस्पीकर पर सियासत शुरू हो गई है, क्यों हो रही है अब उस पर बात करेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार सिर्फ लाउडस्पीकरों पर बात कर सकती है, लेकिन अहम सवाल युवाओं के लिए नौकरी का है, किसानों की आय दोगुनी करने का है, उस पर साफ बात नहीं कर रही है। तेईस मार्च से देश में रमजान का त्योहार शुरू हो रहा है। यूपी में अल्पसंख्यक आयोग ने इसे लेकर सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें आने वाले रमजान को लेकर प्रशासन से कई सारी बातें कही गई हैं। 23 मार्च से पवित्र रमजान शुरू हो रहा है। मुसलमानों के लिए रमजान इबादत का महीना है। कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि कोर्ट की ओर से निर्धारित आवाज की सीमा में रहने के बावजूद कई जगहों पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को पुलिस उतार दे रही है। कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन करने वाले लाउडस्पीकरों को मस्जिदों से न उतारा जाए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में हर रात तरावीह की नमाज अदा की जाती है, जिससे मस्जिदों में काफी भीड़ रहती है। ईद के दिन ईदगाह और मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजी उपस्थित रहते हैं। इसको देखते हुए ईदगाह और मस्जिदों के आसपास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पूरी रहे, किसी प्रकार का कोई वहाँ घटना घटित ना हो, चूँकि अभी हमारे अभी नौ दुर्गे भी शुरू होने वाले हैं, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, वहाँ भी हम लोग कह रहे हैं साफ सफाई वहाँ भी रहनी चाहिए। वहीं इस विवाद में सपा की भी एंट्री हो गई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली से योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकरों को लगाने या हटाने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है और न ही इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। यूपी खाली लाउडस्पीकर और इन सब की बातें कर सकता है यूपी सरकार, और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दोगुनी हो रही है। वही डिंपल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। हमने पुनः वही कह रहा हूँ, देखिए जो बिना अनुमति के अवैधानिक तरीके से, चाहे लाउडस्पीकर का मामला हो, जमीनों पर कब्जा करने का मामला हो, अवैध रूप से निर्माण करने का मामला हो, किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और जो वैधानिक चीजें हैं वो रखेंगे तो उसका कहीं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई सरकार नहीं करती और करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ ही जिन स्थलों पर लाउडस्पीकर जरूरी थे उनके लिए कुछ सख्त नियम निर्धारित कर दिए थे। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटने के मामले में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जिसको लेकर डिंपल यादव ने हमला बोला। उन्होंने कहा इससे किसानों की आय दोगुनी नहीं हो जाएगी। तो वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने भी सरकार को पत्र लिखा है कि कुछ पुलिसकर्मी अतुत्साह में मानक के अनुरूप लगे लाउडस्पीकर भी हटाए जा रहे हैं। इसी लेकर प्रदेश की सियासत में काफी बवाल मचा था और अब रमजान शुरू होने से ठीक पहले इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।